हेलो हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड है, वो पोइटेस भी हैं, वो टीचर भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शालू त्यागी जी की। हाय, सबसे हेलो, पहले तो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। तो इन शॉर्ट, शी इज अ वुमेन विद डिफरेंट डायमेंशंस। तो सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि आप टीचर भी हैं, एक मॉडल भी हैं, और आप कविताएं भी लिखती हैं, तो इतने सारी चीजें कैसे मैनेज कर पाती हैं एक साथ? एक्चुअली मेरी हॉबीज़ हैं, और जब आपकी हॉबी होती है ना, जब आप किसी चीज़ को परस्यू करना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उसके लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। तो शुरू से ही लिखने का शौक शुरू से ही रहा, और उसके बाद जो मैं एज अ टीचर कर ही रही हूँ, मेरे को लगभग 15 ईयर्स हो गए हैं दिल्ली गवर्नमेंट में एज अ टीचर काम करते हुए। एंड आई लव माई जॉब, बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तरह तरह के बच्चे आते हैं, मिलते हैं, दे गेट मोटिवेटेड, और कई बार बच्चों से भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसा आपने अभी बताया कि आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, तो जाहिर तौर पर ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग साउंड करती है कि एक टीचर से एक मॉडलिंग तक का सफर कैसा रहा? सफ़र तो अच्छा रहा, अभी भी अच्छा ही है। बहुत लोगों की दुआएं मिल रही हैं, लोगों की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, एंड आई एम रियली इंजॉइंग दिस फेज अलॉट। क्राउन का तो आई डोंट नो वेदर आई विल गेट द क्राउन और नॉट, बट डेफिनेटली आई एम इंजॉइंग द जर्नी। बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, बहुत सी हाउस वाइफ्स के भी मैसेज आते हैं, और सभी कहते हैं कि आप कैसे करते हो, कैसे मैनेज करते हो, यू आर इंस्पिरेशन। बट मेरा यही कहना है कि जब आप चाहते हो किसी चीज़ को, शिद्दत से चाहते हो, तो आप कहीं ना कहीं उसके लिए अपने लिए टाइम भी निकालते हो। और मॉडलिंग का शौक तो था शुरू से, बट थोड़ा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही ऐसी कि बस समय नहीं निकल पाया। देन आई गॉट मैरिड, देन किड्स एंड ऑल। बट अब मैंने सोचा कि बच्चे बड़े हो गए हैं, तो थोड़ा सा ना अपने लिए, अपने शौक को ना फिर से दोबारा जगाया जाए। अच्छा, जैसे आपने अभी बच्चों की बात कही तो आपके बच्चे भी काफी बड़े बने, तो वो अपनी मॉम को कैसे देखते हैं एज ए इंस्पिरेशन? बच्चे मेरे बहुत शैतान हैं। इंस्पिरेशन तो डेफिनेटली बाहर उनको, दे फील वेरी प्राउड, और जाते हैं तो वो जैसे दूसरे बच्चे उनसे इंटरेक्ट करते हैं और कहते हैं, क्योंकि उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं से पता चल जाता है, दे कम टू नो कि इसकी जो मदर हैं वो हॉट मॉन मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड के फाइनलिस्ट हैं। तो बच्चे रियली दे इंजॉय दैट, और आके मुझे बताते भी हैं खुश होके, तो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। बाकी इतना ज़्यादा मैंने उनको ये नहीं कहा कि ठीक है, उनके लिए आई एम फर्स्ट मदर टू दैम, और जो जैसे मैं थी वैसे ही अभी भी हूँ, डांटने फटकारने वाली मम्मी। तो जाहिर तौर पर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं, घर भी मैनेज करना पड़ता है, स्कूल भी मैनेज करना पड़ता है, और अब आप पार्टिसिपेट भी करने वाली हैं, तो कैसा, आपको क्या लगता है आगे के लिए क्या चैलेंजेस हैं आपके लिए? चैलेंजेस तो हैं ही डेफिनेटली, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। मेरे साथ मेरी मदर हैं, ग्रैंड मदर हैं, मेरी मदर इन लॉ हैं, प्लस आई एम हैविंग टू ग्रोन अप किड्स, और एक जॉब भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मैनेज करनी पड़ती हैं। बट मेरे को ये हमेशा ये लगता है, मैंने अपनी दादी से यही सीखा है कि जो अंदर से जो विल पावर होती है वो हमेशा आपकी ना मजबूत रहनी चाहिए, दैट शुड बी स्ट्रांग। अगर आपकी विल पावर बिल्कुल एक ये है कि हाँ मुझे एक चीज़ करनी है, आई हैव टू अचीव दिस, नोबडी कैन स्टॉप यू। तो मैनेज मैं करती हूँ, और हमेशा मेरी प्लानिंग पहले ही चलती रहती है। ड्राइव करते वक्त मैं सोचती हूँ कि घर जाके सबसे पहले मुझे ये चीज़ काम निपटानी है, देन एक ऑटोमेटिकली एक प्लानिंग जो है ना वो दिमाग में चलती रहती है हर काम की। और इसका मुझे, मैं हॉस्टल में भी रही हूँ तो आई नो हाउ टू मैनेज द टाइम्स एंड ऑल, तो काफ़ी चीज़ें हैं। और जब वही बात है कि आपको अगर शौक है तो ऑब्वियसली 24 घंटे हैं तो वो 24 घंटे के 24 के 42 आवर्स तो होंगे नहीं। 24 आवर्स में यू हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स, यू हैव टू मैनेज द फैमिली, यू हैव टू मैनेज द ऑफिस, यू हैव टू मैनेज द होम, एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज, प्लस यू हैव टू गो विद योर हॉबी। तो मल्टीटास्कर तो होना ही पड़ता है। बिल्कुल, आपको देख के भी लग रहा है कि वुमेन विद डिफरेंट डायमेंशंस, तो बहुत सारी चीजें आप एक साथ करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी खास है कि शादी के बाद इन्होंने अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत की है। जनरली शादी होने के बाद जो लेडीज हैं, जो वुमेन है, वो डिफरेंट उनका डायरेक्शन हो जाता है, लेकिन आपकी बात की जाए तो आपने एक अलग ही अपनी राह को चुना। हाँ, एंड या क्रेडिट गोज़ टू माई फैमिली ऑल्सो, हस्बैंड भी थोड़े सपोर्टिव हैं, और मदर इन लॉ शी ऑल्सो हेल्प्स मी आउट। तो ऐसा नहीं है कि अगर इन लोगों का सपोर्ट ना हो मेरे साथ तो काफ़ी मुश्किल हो जाता मेरे लिए, बट नाउ इट्स ईजी फॉर मी, क्योंकि फैमिली सपोर्टिव है, फैमिली की तरफ से मुझे पूरा सपोर्ट मिल रहा है हर चीज़ का, तो आई एम एबल टू मैनेज एवरीथिंग।
मॉडलिंग करियर में जनरली फीमेल मॉडल जो होती हैं वो करियर जो उनका पीक पॉइंट पर होता है लेकिन शादी के बाद वो गिव अप कर देती हैं जनरली, लेकिन आपके साथ एकदम स्टोरी ऑपोजिट है, तो कैसे आपको कुछ परेशानी होती है, फैमिली का कैसे सपोर्ट मिलता है आपको? फैमिली में हस्बैंड हैं मेरे, सपोर्टिव हैं, कभी खाना मैं नहीं बनाऊं तो वो बना लेते हैं तो इन दैट वे आई एम गेटिंग सपोर्ट ऑफ हिम। और जहाँ भी मुझे जाना होता है कहीं भी, तो वो मुझे साथ लेके जाते हैं, तो ही इज़ देयर टू, ही इज़ ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट मी एंड टू सपोर्ट मी। और बाकी सब तो हैं ही, बाकी मेरे फ्रेंड्स भी, वेल विशर्स भी, सभी लोग अच्छे से मुझे सपोर्ट करते हैं। ऑफिस में भी दे आर ऑल सपोर्टिव, स्टाफ मेरा बहुत सपोर्टिव है, सभी लोग बहुत ही चीयर अप करते हैं जब भी देखते हैं, दे आर हैप्पी टू सी मी। तो ग्रीस में आप पार्टिसिपेट करने वाली हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहली बार आप परफॉर्म करने वाली हैं, तो जाहिर तौर पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो कैसी प्रिपरेशंस चल रही हैं आपकी? प्रिपरेशंस तो मेरी एक्चुअली चल ही रही हैं, लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एज आई टोल्ड यू कि मेरी मदर भी और ग्रैंड मदर भी हैं, दोनों ही बीमार रहती हैं, तो उनका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और बच्चे भी हैं, तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है ही, फैमिली को तो यू जस्ट कांट इग्नोर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट टाइम निकालती हूँ मैं अपने जिम जाने के लिए, अपने वर्कआउट के लिए, और साथ ही मेरी कोशिश होती है कि मैं हेल्दी डाइट्स लूँ, हेल्दी डाइट्स फॉलो करूँ, और अगर कभी जिम स्किप हो जाए तो वो जो मुझे वहाँ पे जिम में जो वर्कआउट अपना करना है, जो कैलोरीज बर्न करनी है, वो थोड़ा सा खाना स्किप करके या कुछ हेल्दी खा के ना, तो उस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि अपना फॉलो करती रहूँ अपना रूटीन। और यस, बाकी जो डांसिंग वगैरह है उसकी भी प्रैक्टिस मैं करती हूँ डेली, नहीं तो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, जैसे भी। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपको रिप्रेजेंट करना है तो ग्रूमिंग सेशंस भी आपके चल रहे होंगे, तो ग्रूमिंग सेशंस कैसे चल रहे हैं, कैसी जोरों शोरों से आपकी तैयारियां चल रही होंगी, तो क्या क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? ग्रूमिंग जो सेशंस हैं वो हमारे एक्चुअली आगरा में इन्होंने ओरिएंटेशन हमारा हुआ था, और वहाँ पे सारी हमको ग्रूमिंग दी गई थी। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम कई दिन चला था, काफ़ी दिन चलता रहा, और हमको सारे ग्रूमर्स आए, रैंप वॉक के बारे में, फिटनेस के बारे में, योगा के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ें, मेकअप एंड ऑल, तो ग्रूमिंग तो हमारी वहाँ पे हो गई है। बाकी ऑनलाइन बीच बीच में हमारे टास्क चलते रहते हैं, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं वो हमें टास्क देते हैं जो हमें ऑनलाइन परफॉर्म करने होते हैं, और इन बिटवीन हम कुछ पूछना चाहें तो हम अपने ग्रूमर्स से ना, वी कैन टॉक टू देम, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, तो दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प अस आउट। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप परफॉर्म करने वाली हैं, तो सोसाइटी का और घर वालों का कैसे किस तरीके से प्यार मिल रहा है? सोसाइटी में या दे ट्रीट मी लाइक अ सेलेब्रिटी, जाती हूँ तो अब चाहे बनूँ या ना बनूँ मिसेस वर्ल्ड, लेकिन लोगों का यही है कि अब मिसेस वर्ल्ड आ गई, एंड वेन एवर आई गो टू अटेंड एनी फैमिली फंक्शन या एनी पार्टी, तो लोगों को एक एक इंटरेस्ट, एक पहले एक क्यूरियोसिटी होती है कि कौन है वो, है ना, जो नहीं भी जानते, दे कम टू मीट मी एंड दे इंट्रोड्यूस देम सेल्व्स। और सोसाइटी में भी बहुत ही अच्छा है, लोग बहुत प्यार करते हैं, और पहले थोड़ा जो नहीं जानते थे वो नहीं मिलना चाहते थे, अब जो नहीं जानते वो भी मिलना चाहते हैं, सो आई एम रियलिंग गेटिंग अटेंशन ऑफ एवरीवन। अच्छा, आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है, अब क्रिएटिव लाइफ में भी आप जुड़ चुकी है, मॉडलिंग एकदम अलग है, टीचिंग की जॉब काफी अलग है, तो कैसे मैनेज कैसे कर पाती हैं इतना सब कुछ एक साथ? मैनेज करने के लिए तो देखिए, स्कूल से आने के बाद मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं ये जो पहले सीरियल्स वगैरह देखती थी, अपना थोड़ा सा टाइम उनमें स्पेंड करती थी, वो मैंने बिल्कुल बंद किया है। चैनल सर्फिंग मैं करती नहीं हूँ, न्यूज़ ज़रूर देखती हूँ सो दैट आई एम अपडेटेड विद वट एवर इज़ हैपनिंग इन द कंट्री एंड ऑल, बाकी ज़्यादा टीवी नहीं देखती, और कोशिश होती है कि मेरा टाइम मेरे बच्चों के साथ स्पेंड हो, कम से कम उनको भी टाइम देना ज़रूरी होता है। और प्लानिंग जैसे मैंने कहा मेरी पहले ही चलती रहती है कि अब इतने बजे मुझे जिम जाना है, या इतने बजे मुझे मदर को हॉस्पिटल लेके जाना है, या इतने बजे मुझको खाना मेरा रेडी होना चाहिए, तो वो सब एक बिफोर प्लानिंग जो चलती रहती है, एक प्लानर मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली एक चलता रहता है शेड्यूल कि मुझे कब क्या करना है, एंड आई एम वेरी मच फोकस्ड अबाउट दैट। आई नो कि इतने बजे उठना है तो इतने बजे ही उठना है, उसमें थोड़ा बहुत भी कुछ नानुकुर नहीं चलती, और जो भी शेड्यूल है पूरे दिन का वो मुझे प्रॉपर, मैं उसको फॉलो करती हूँ। और मैं अपने घर भी एक्चुअली आ जाती हूँ थोड़ा सा 2 o'clock के आसपास तक हम घर आ जाते हैं, तो थोड़ा हमें टाइम वहाँ पे भी मिल जाता है अपने बच्चों को देखने के लिए, परिवार के लिए। जो महिलाएं कुछ करना चाहती हैं लेकिन किसी कारण से वो नहीं कर पाती हैं, या तो फैमिली सपोर्ट नहीं होता है, उनकी आंखों में सपने होते हैं लेकिन आप उस चीज को पूरा कर पा रही हैं, जाहिर तौर पर आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन होंगी, तो उन महिलाओं के लिए आपका क्या मैसेज आएगा? देखिए, मेरा तो यही मैसेज है सभी के लिए, महिलाएं भी हैं, बाकी स्पेशली मैरिड वुमेन जो हैं, जो ये सोचती हैं कि शादी हो गई तो अब जिंदगी खत्म,
ऐसा नहीं है। लाइफ के हर फेज़ लाइफ का डिफरेंट होता है, हर फेज़ में न्यू चैलेंजेस होते हैं। तो आपको ना अपनी लाइफ को के जो आपके ड्रीम्स हैं उनको कभी ख़त्म मत होने देना, हमेशा अपने सपनों को ज़िंदा रखिए। और मैंने ही कुछ चंद लाइनें लिखी थी, वही मैं एक मैसेज के तौर पर सबको देना चाहती हूँ। माना मेरी बातों में अब वो अंदाज़ नहीं, माना मेरी बातों में अब वो अंदाज़ नहीं, मैं गुजरा हुआ कल हूँ कोई आज नहीं, मैं फिर भी मैं हूँ, मैं फिर भी मैं हूँ, मेरे ख्वाब किसी वक्त के मोहताज नहीं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, शानदार लाइनों से मैम ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। तो आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आगे की आपकी क्या, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? देखिए, मेरे फ्यूचर प्लान्स एक्चुअली मॉडलिंग में जाने के इतने नहीं हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं इस पेजेंट में भी गई थी क्योंकि अब प्रायोरिटीज़ बदल चुकी हैं लाइफ में। 20 ईयर्स बैक अगर इस तरह का कुछ मेरे लाइफ में होता तो मेरी प्रायोरिटीज़ अलग होती। अब मेरी प्रायोरिटीज़ मॉडलिंग, तो अगर ऑफर्स आते हैं तो डेफिनेटली आई विल परस्यू, बट मेरा अपना खुद का एक एनजीओ बनाने का सपना है। और मैं जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रन हैं या जो लेडीज़ हैं जिनको, जो इल ट्रीटेड हैं या जो एल्डरली पीपल हैं जिनको फैमिली में उनको लोग घर से निकाल देते हैं, बड़े बूढ़ों को ध्यान नहीं रखते, तो मैं इस तरह से एक एनजीओ बनाना चाहती हूँ जो बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, एल्डरली पीपल के लिए कुछ करे। अगर आपकी हॉबीज़ की बात की जाए तो आपकी क्या ऐसी हॉबीज़ है जो आप फ्री टाइम में करना पसंद करती हैं? हाँ, मैं मानती हूँ कि आपको टाइम बहुत कम मिलता होगा, लेकिन कब भी टाइम मिलता है वो आप कुछ चीज़ें ऐसी होती होंगी ना जो आप करना चाहती होंगी। मेरी हॉबीज़, मैं पोइट्री लिखती हूँ और अब से नहीं, पता नहीं कितने साल हो गए, मुझे खुद नहीं पता, मे बी आई वॉज 7-8 years old दैट टाइम, फ्रॉम दैट टाइम आई हैव बीन राइटिंग पोइट्री। तो मुझे, मेरा शौक यही है, गज़लें लिखना या इंग्लिश पोइट्री लिखना, और फ्री टाइम में बुक्स पढ़ना। जो भी राइटर्स हैं इंग्लिश के, बहुत ही अच्छे राइटर्स हैं जो पुराने हैं, मैंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया है, तो आई लव राइटिंग दोज राइटर्स। तो बुक रीडिंग करना और पोएम लिखना, ये मुझे सबसे ज़्यादा यही पसंद है। अच्छा, टीचिंग से मॉडलिंग तक का सफ़र अगर आप उसको डिस्क्राइब करना चाहें 1 वर्ड में तो कौन सा वो ऐसा वर्ड होगा? फैंटास्टिक। फैंटास्टिक। अच्छा, अपनी जर्नी पे के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें हमारे दर्शकों को। देखिए, जर्नी जब शुरू हुई थी तब डेफिनेटली मुझे नहीं, मैंने इतना ज़्यादा नहीं प्लान किया था, मैं सिर्फ ऐसे ही चली गई थी और फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड भी नहीं थी। हाँ, मैंने थोड़ी सी मेहनत टैलेंट राउंड के लिए की थी क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे राउंड्स होने थे, तो टैलेंट राउंड के लिए मैंने मेहनत की। उसमें डांस का था तो मैंने अपना डांस वहाँ पे, 2 मिनट की प्रेजेंटेशन थी डांस की, और उसके लिए मैंने मेहनत की। मेरी नेबर हैं, शी इज़ अ क्लासिकल डांसर, एंड उन्होंने ही, क्योंकि ज़्यादा टाइम मिलता नहीं था तो उन्होंने ही मुझको टिप्स दिए, उन्होंने ही मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस कराई। ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं मैं कर पाई, चाहती थी, बट वही है ना कि आप कितनी जगह, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं तो आप नहीं निकाल पाते कई बार टाइम, बट उन्होंने अच्छे से मेरे साथ मेहनत की और रिज़ल्ट आपके सामने हैं। वो मेरे को लगता है उसी टैलेंट राउंड की वजह से ही मैं ये ऑडिशन निकाल पाई, क्योंकि इसमें लगभग 36,000 लेडीज़ ने ऑल ओवर द वर्ल्ड पार्टिसिपेट किया था, और जितनी लेडीज़ थी वो लगभग 17 कंट्रीज़ की लेडीज़ थी। तो काफ़ी मुश्किल रहा होगा ये सफ़र, क्योंकि आपने जैसे बताया कि इतनी सारी महिलाओं के बीच में आपको स्टैंड आउट करने का मौका मिला और इतनी सारी महिलाओं के बीच में आपको चूज़ किया गया, तो अच्छा तो बहुत लगता होगा, बहुत प्यार भी मिलता होगा सोसाइटी की तरफ से, फैमिली की तरफ से रिकॉग्नाइजेशन मिलता होगा। ऑब्वियसली मिलता है, लेकिन सच बताऊं जब मैं ऑडिशन में गई थी तब मुझे 1% भी नहीं लग रहा था, क्योंकि ऑल लेडीज़ वर सो ब्यूटीफुल, दे वर लाइक वंडरफुल, और मुझे ही लगा कि शायद मैं ऐसे ही आ गई हूँ, मुझे नहीं आना था। एक सवाल और यहाँ पर एकदम से आपके दिमाग में, क्योंकि टीचिंग एक अलग प्रोफेशन है और मॉडलिंग एकदम अलग चीज़ है, आपके दिमाग में एक चीज़ एकदम से कैसे आई कि नहीं मुझे इस चीज़ में ट्राई करना चाहिए, पेजेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया, मुझे मॉडलिंग और एक्टिंग का शौक पहले से ही था, डांस का भी बहुत शौक था, बट वही है, नहीं परस्यू हो पाया उस फील्ड में। तो कहीं ना कहीं मन तो था कि हाँ कुछ करूँ, फिर अचानक से ये सोशल नेटवर्किंग साइट पर इसका ऐड मैंने देखा और मैंने इसको फिलअप भी कर दिया, और फिलअप करने के बाद फिर वहाँ से कॉल आई, तो मैंने उनसे डायरेक्टली पूछा क्योंकि कि भाई मुझे, मतलब मैं आई एम हेजिटेटिंग कि मैं पार्टिसिपेट करूँ या ना करूँ। तो वहाँ पे एक ही थी, एक अच्छी सी लड़की, उसने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया कि नहीं मैम आप आइए,
एंड वी नीड पीपल लाइक यू जो कि एजुकेटेड हैं और इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, तो ऐसे लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा हमें भी. एंड आई पार्टिसिपेटेड एंड आई वेंट फॉर द ऑडिशन इन दिल्ली इन द होटल ललित और आई गॉट सेलेक्टेड. तो हम अपने दर्शकों की तरफ से और टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू न्यूज़ वर्ल्ड एंड थैंक यू ऑल माई फैंस एंड सपोर्टर्स एंड फॉलोअर्स एंड माई फैमिली.